आज यू मी और टीवी पहुंच गया है सीरियल रिश्ता लिखेंगे हम नया की राजकुमारी मोहिना यानी गरिमा परिहार के मेकअप रूम में, जहां आज मोहिना हमें दिखाएंगी अपनी मस्त मस्त गहनों का कलेक्शन। तो आगे की बात गरिमा के साथ। हाय, दिस इज गरिमा परियार फ्रॉम रिश्ता लिखेंगे हम नया। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक रॉयल फैमिली बेस्ड शो है, सो इनकी जो ज्वेलरीज होती है वो इतनी ब्यूटीफुल होती है। मैं आपको कुछ ज्वेलरीज दिखाना चाहूंगी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कंगन है, कुछ इयररिंग्स हैं जो नॉर्मली हमें फिल्म्स में देखने मिलता है। सारी हीरोइंस प्रिटी लगती है इन सारी ज्वेलरीज के साथ, और मुझे इस शो में मौका मिल रहा है ये सारी ज्वेलरीज पहनने का। आप देख सकते हैं कि ब्यूटीफुल सी इयररिंग, और ये है कंगन प्यारा सा विद ब्यूटीफुल कलर गोल्डन एंड पिंक वेट। और यहाँ पे कुछ इयररिंग्स हैं जो मुझे आफ्टर शादी के लुक में मुझे ये सारी चीज़ें पहनने का मौका मिल रहा है, सडनली जो मेरा लुक चेंज हो गया। और ये कुछ कंगन है, ये प्यारी सी इयररिंग्स हैं, रॉयल इयररिंग्स एकदम, जो हम सब फिल्म्स में देखते हैं सारी हीरोइंस के गले पे कान पे जो देखते हैं हम, जिससे हीरोइंस बेसिकली बहुत खूबसूरत लगती है। सो या गरिमा, आपके पिछले शो मेरे अंगने में आपका लुक काफी सिंपल एंड सोबर था, लेकिन मोहिना के किरदार में आपका लुक बिल्कुल डिफरेंट है। राजकुमारियों वाले बड़े बड़े शाही गहने, हैवी साड़ियाँ और लहंगा चोली आपके इस लुक का हिस्सा है, तो ये बदलाव आप कितना एंजॉय कर रही हैं? Yes, I'm enjoying a lot. By the way, last show में जैसे कि मुझे बहुत ही सिंपल लुक दिया था, वहाँ पे तो ज्वेलरीज भी बहुत कम थी, यहाँ पे सडनली एक रॉयल बेस्ड शो है तो यहाँ पे प्रॉपर यू नो राजस्थानी जो होते हैं वो कंप्लीट ना सुंदरता जो होती है ना उनके चेहरे पे ही झलकती है। तो वैसे ही ये सारी ज्वेलरीज हमें जो देखने मिल रही है, सो ये मुझे वैसे शादी के पहले नहीं दिया जाता, अब शादी के बाद सडनली जो चेंज ओवर मेरे में आया है तो साड़ी के साथ साथ पूरी ज्वेलरी कंप्लीट, अभी तो और हैवी ज्वेलरीज होंगी जो पूरे बड़े बड़े हार जो होंगे उससे पूरी लड़की है। मुझे तो वैसे इन सारी चीज़ों में कंफर्टेबल फील नहीं होता है क्योंकि ये सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम मेरे साथ हो रही है। इनफैक्ट आई एम वेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम दिस साड़ी, सो ये साड़ी में जो वॉक करना भी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। कहते हैं कि लेडीज की बेस्ट फ्रेंड होते हैं उनके गहने, और जब आज आप अपने गहनों का कलेक्शन हमें दिखा ही रही हैं, तो ये भी बता दीजिए कि इन सब में से आपकी फेवरेट ज्वेलरी कौन सी है? मेरी फेवरेट ज्वेलरी है इयररिंग्स, और वो भी खास करके सबसे बेस्ट मुझे ये लगती है जो मैंने आज ही इस साड़ी के साथ पहनी थी। आप देख सकते हैं ये इयररिंग मुझे बहुत पसंद है बिकॉज आई लव डायमंड्स, सो इसका जो ये थोड़ा डायमंड का जो लुक है और जो ये मोती है साइड में ये कंप्लीट कर रहा है इस लुक को, सो ये मुझे बड़ी प्यारी लगती है। सो अब तक की सबसे बेस्ट मुझे जो चीज़ लगती है वो इयररिंग्स, बिकॉज वो थोड़ी हल्की होती है, हार पहनने से ऐसा लगता है कि अरे फांसी फांसी का फंदा लग रहा होता है, तो ये चीज़ है मुझे इयररिंग्स में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ, और या वो कंप्लीट कर देती है आई थिंक। गहने सबको पसंद होते हैं गरिमा, लेकिन इन्हें सहेज कर रखना उतना ही मुश्किल होता है, तो आज आप अपनी फीमेल फैंस को क्या टिप्स देना चाहेंगी कि कैसे रखें वो अपनी ज्वेलरीज का खास ख्याल? हालांकि मैं ज्वेलरीज अपनी रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं पहनती, बहुत रेयर, अगर कोई फंक्शन होगा वहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ मैं इयररिंग्स कैरी करती हूँ और नॉर्मली नेकलेस वगैरह कुछ नहीं होता। तो मेरे पास एक छोटा सा पाउच होगा, यू नो एक बॉक्स होगा जिसमें आप ज्वेलरी कैरी कर सकते हो, बिकॉज मुझे आदत नहीं है कि मैं हैवी ज्वेलरीज अपने साथ कैरी करूँ, तो छोटा सा बॉक्स हो जाए उसके साथ संभाल के रखो। अगर जिसके लिए ज्वेलरी ज़्यादा प्यारी हो, ऑफकोर्स वो तो उसे बताने की ज़रूरत ही नहीं होगी क्योंकि वो खुद जानता होगा कि उसे ज्वेलरीज अपनी कैसे कैरी करनी है, बिकॉज जिसके लिए जो चीज़ प्यारी है वो उसे एकदम सोने के तरह अपने संभाल के रखेगा। वैसे एक टिप है मेरी कि आप डब्बे के अंदर कॉटन रख के उसके ऊपर अगर ज्वेलरी रखो और फिर डब्बे को रखो, डब्बे को बंद कर दो, तो वो ज़्यादा सेफ रहेगा, उससे ज्वेलरीज खराब भी नहीं होती और वो कंप्लीट पैक होगी और आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हो इजीली। वेल गरिमा, वी होप कि आपके फैंस आपकी स्पेशल टिप पर जरूर गौर फरमाएंगे। फिलहाल आप अपने शॉट के लिए रेडी हो जाइए, हम चलते हैं किसी दूसरे शो के सेट पर। मुंबई से अक्षा अगबानी सिद्दीकी की रिपोर्ट, E24।